नमस्कार किसान भाइयों। तो आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप लोग गन्ना किस प्रकार से बांधेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे रोचक एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अधिक से अधिक किसान भाइयों को शेयर करिएगा, जिससे इन लोगों को ये वीडियो मिल सके और वो भी गन्ना बांधने का ये तरीका जान सके। तो आप लोगों को गन्ने बांधने के लिए आपको दो लाइनें लेनी है। दो लाइनों को अगर एक साथ बांधते हैं तो गन्ना आपका गिरेगा नहीं। तो इसी प्रकार से हम पूरा वीडियो विधिवत आपको दिखाएंगे, तो हमारे चैनल पे बने रहिएगा। आपने किस प्रकार से गन्ना यहाँ पे बंधा हुआ है, आप लोगों को उसी प्रकार से भी गन्ना बांधना है। तो सबसे पहले आप ये देखिए, ये गन्ने की एक लाइन है जो यहाँ से अभी 6 से 7 फीट की हो चुकी है, अगोला और गन्ना सहित। तो इसको आपको बांधने के सबसे नीचे की पत्ती लेनी है, यानी कि नीचे की पत्ती, जैसे कि यहाँ से आप ये ले सकते हैं, ये जो निकल जो पत्ती गन्ने से अलग हो रही है उनको निकालना है। उनको निकालने के बाद आपको गन्ने को उसकी मेन कोब या उसकी जो मेन अगोला होता है वहाँ से नहीं बांधना है। गन्ना को आपको बांधना है जहाँ से गन्ना बन चुका है, जैसे कि यहाँ से गन्ना बन चुका है ये। तो आपको ये गन्ने जो हैं इनको सबको एक साथ लेके, पूरी एक गन्ने की जो यहाँ पे मूर होती है उसको एक साथ लेके बांधना है। तो जैसे यहाँ पे ये गन्ना बंधा हुआ है, इस प्रकार से आपको बांधना है। ये पहली बंधाई आप लोगों को इस प्रकार से करनी है। दूसरी बंधाई में को आपको जब ये तो यहाँ पे पहली बंधाई, अब ये दूसरी बंधाई के लिए तैयार होने लगा है, तो आपको गन्ने को यहाँ से बांधना है। इसको एक साथ ले लेना है और उसको ये जो कलिकाएँ निकल रही हैं उसकी पत्तियाँ, इसको यहाँ से लपेट कर आपको बांध देना है। तो हमारी बंधाई ये अभी कुछ इसको 1 महीना हुआ जा रहा है तब ये बंधाई हुई थी। अब हम आपको दूसरी बंधाई दिखाते हैं कहाँ पे हुई है। यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रही है हमको भी, चलिए इसी में बताते हैं आपको। यहाँ पे जो बंधा हुआ है पहले से देख रहे होंगे कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से देखो, हमने बताया था कि पहली बंधाई हुई थी, ठीक है, मतलब पहली बंधाई आपको सिंगल लाइन लेनी है, जिसको हमने भी तुरंत बताया हुआ जिस प्रकार से सिंगल लेना है। और दूसरी बंधाई हमको जैसे ये एक लाइन है, एक ये लाइन, इन दोनों को एक पास करके इस प्रकार से, इन दोनों को एक पास करके इस प्रकार से बांधना है, जैसे आप लोगों को ये बंधा हुआ नज़र आ रहा है। ये दो अलग अलग लाइनें थी, इनको अलग अलग थी, इनको अब एक पास करके इस प्रकार से बांध दिया गया है। जहाँ जितनी हवा आए या आंधी आए ये गिर नहीं सकता है। अगर आप इस प्रकार से गन्ने की बंधाई करते हैं तो आपका गन्ना गिरता नहीं है। अगर हम अपने गन्ने को गिरने से रोक पाते हैं तो गन्ने की उपज भी बहुत अच्छी होती है। देख रहे होंगे ये गन्ना हमारी हाइट 6.5 फीट है, उससे कई 1.5 गुना है, मतलब ये अभी से ही अगोला सहित 11 फुट का हो चुका है, यानी कि 11 फीट का हो चुका है। तो आप लोग भी इस प्रकार से बंधाई करिएगा। आपको पहले सिंगल लाइन की बंधाई करनी है, फिर ये सिंगल लाइन की बंधाई करनी है, और दूसरी बंधाई में आप लोगों को दोनों लाइनों के गन्नों को एक साथ लेकर एक साथ इस प्रकार से बांधना है, मतलब यक्ष के आकार में। तो इस प्रकार से अगर बांधते तो आपका गन्ना गिरता नहीं है। अगर हमारा गन्ना गिरेगा नहीं तो उसकी उपज भी अच्छी होगी। तो हमारी गन्ने की बंधाई आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करिएगा, अधिक से अधिक किसान भाइयों को शेयर करिएगा। धन्यवाद।